अंदर कौन सी शूटिंग चल रही है अभी देख कर आते हैं। जिसमें ऋतिक आजकल वो कर रहा है ना मॉन्थन ड्यू की एड, डायरेक्ट बाइक घुसेड़ देते अंदर। यह है पाकिस्तानी टैंक्स जो कि वॉर में पकड़े गए थे। तो गाइज हमने एंट्री कर लिया और हमने टिकट भी ले लिया जो कि है अडल्ट के लिए 30 रुपीस। और स्वागत है आप सबका एयरफोर्स म्यूजियम में। तो हमने बाहर के शॉट्स आपको इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि बाहर शूट करना अलाउड नहीं है। आपको कुछ वॉर प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े, ये देखिए सामने। भाई हेलीकॉप्टर इतने बड़े होते हैं वॉर हेलीकॉप्टर, उनके फैन तो देख ले एक बार भाई, यहाँ तक आ रहे हैं इसके पंखे तो यार। ये आपके घर से भी बड़े हैं। गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक वॉर हेलीकॉप्टर खड़ा है जो कि बहुत बड़ा है साइज में। तो मैं आपको यही दिखा रहा था कि यहाँ पर देखिए कितने सारे प्लेन्स वगैरह खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको वॉर प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं और साथ के साथ ही हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको पीछे टैंक्स भी देखने को मिलेंगे, बैटरी टैंक्स। गाइज ये मिसाइल्स हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हुए थे, अलग अलग टाइप के हैं ये। धीरे धीरे जैसे इनका इवॉल्वमेंट हुआ है, इवॉल्वमेंट नहीं एवोल्यूशन हुआ है, तो ये ड्रॉप किए जाते थे ऐसे प्लेन से, वॉर प्लेन से। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर तो भाई मैंने कभी देखा ही नहीं। ये सारे कम से कम 250 kg के हैं एक एक। देखो गाइस 250 kg प्रति मिसाइल। अबे सब सिर्फ 250 नहीं है, उससे ऊपर भी है, उससे थोड़े नीचे भी है। हाँ एक एवरेज 250 की चल रही है। इस पे ऊपर प्लेन भी अटैच्ड है, यहाँ से ड्रोन्स आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता था। अच्छा ये ड्रोन है, इंडिया के ड्रोन्स हैं। टेस्ट एंड ट्रायल एट पोखरण। ये है पाकिस्तानी टैंक्स जो कि वॉर में पकड़े गए थे। ये कि क्या क्या यहाँ पर स्क्रैप में पाकिस्तान का है। मेन प्लेन है एक, एक एयरक्राफ्ट इंजन है, एक नहीं दो हैं, और रेमिनेंट्स ऑफ कॉकपिट 3, इजेक्शन सीट्स भी हैं 4, और टेल सेक्शन के मतलब सारी इंफॉर्मेशन हैं। 6 रॉकेट, 7 मशीन गन और 8 ड्रॉप टैंक्स। काफ़ी बड़ा है भाई साइज़ में, बहुत ज़्यादा बड़ा है। नीचे इसकी मिसाइल्स रखी हैं। ये सिंगल इंजन इस तरफ है, एक सिंगल इंजन उस तरफ भी होगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा दिख रहा है अलग से। और एक प्लेन आपको और दिखाते हैं इसके नेक्स्ट वाला। और ये 1948 से 1971 तक की मशीन गन से अटैच्ड है भाई। वो देख वहाँ से गोलियाँ निकलती हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हो इसे एडजस्ट, और नीचे कुछ कांच का भी है इसमें से, पता नहीं किसलिए एक्शन के लिए क्या है। इमरजेंसी में ट्रैक्टर, ये दिखा रहा था मैं आपको ट्रैक्टर, ये देखो दिख रहा है काफ़ी बड़ा है ये साइज में। आगे से पूरा इंजन दिख रहा है इसे इतना लंबा। इसे स्कैन कर सकते हो आप, कोई प्लेन वगैरह तो नहीं आ रहा। गाइस तो मैं वैसे तो पढ़ के बता रहा हूँ लेकिन आपको बता दूँ कि 65 किलोमीटर से लेके मतलब यानी 40 मील की रेंज तक ये सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है, लोकेशन, ऑल्टीट्यूड्स पे, और किस स्पीड से कोई एयरक्राफ्ट आपके जोन में आ रहा है। तो काफ़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के हिसाब से। ये 1965 से 1992 तक यूज़ हुई है। तो यार हमें तो यहाँ पे देखने को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, हम किसी सेट पे खड़े हैं। अंदर कौन सी शूटिंग चल रही है अभी देख कर आते हैं। देख रहा हूँ रनवे पूरा बना रखा है इन्होंने अंदर। रोड का डिजाइन एकदम रनवे जैसा है, जैसे प्लेन उड़ता है। मारुति 1967 से 1983 तक यूज किए जाने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट। तो भाई अब तुम खुद बताओ, ये लग नहीं रहा कि जैसे कोई मूवी सेट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे कोई सारे फाइटर जेट्स। हाँ और ऊपर से यहाँ पे अभी कोई इधर से किसी हीरो की एंट्री होगी।
बहुत प्यारी लोकेशन है। डिस्ट्रक्शन हुआ है उसे सर्कल से हाईलाइट किया हुआ है। तो इस प्लेन की खास बात यह है कि पाकिस्तान से पकड़ा गया था, तो इसलिए इसकी खास चीज़ एक और है, बीवेयर ऑफ ब्लास्ट। तो पाकिस्तान के प्लेन से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये क्या बोलते हैं इन्हें, ये कौन से प्लेन्स होते हैं, कृषक है वैसे तो ये, लेकिन इन्हें कुछ बोलते हैं यार इन टाइप के प्लेन्स को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं भूल गया, इसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं ना शायद, 2 सीट। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं पूरी गैलरी है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स की फ़ोटोग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगी। यार ये फ़ोटोज़ ऐसी हैं ना कि मेरा मन हो रहा है कि मैं अपने घरों में सजा लूँ। ये देख के ना मतलब आपको अपना पूरा इतिहास याद आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारे वीर लड़े होंगे। और अरे भाई MI-8 लिफ्टिंग है, मिलिट्री जीप, 8 सेना की जीप उठाते हुए। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप एक लेजेंडरी प्लेन, ये है MiG-21। MiG-21 से कुछ याद आ रहा है, अभिनंदन? तो अभिनंदन जी जो थे वो इसी प्लेन में बैठ के उन्होंने ऑपरेशन किया था पूरा, और यही प्लेन था जो वहाँ जाके क्रैश हुआ था। हम इसे अभी जैगुआर समझ रहे थे, बट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अलर्ट, ये MiG-21 है। और ये वही MiG-21 है जो काफ़ी लेजेंडरी प्लेन घोषित हो चुका है। अब ये शायद ऑपरेशन में नहीं है, लेकिन अभी लास्ट ये नहीं है, लेकिन ये वर्जन का है। हाँ ऑब्वियसली। तो गाइस ये है सबसे बड़ा मेरे को फाइटर प्लेन यही लग रहा है, और इसमें देख रहे हो MiG-25 है, और ऊपर से इसकी स्पीड देखो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, तुम्हारी बाज की नज़र भी कुछ काम नहीं आने की। हमारे सैनिकों के आगे बाज की नज़र भी काम नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पल के झपकाएगा तो तू सीधा सीपी तो कब का पीछे छूट गया भाई। सीपी का नट प्लेस थोड़ी कह रहा हूँ मैं, कैनेडा एंड पोलैंड। ब्रो राजदूत सुन के तुम्हें क्या याद आता है? ब्रुं ब्रुं ब्रुं। लेकिन ये राजदूत है हमारे सैनिकों वाला, ये है सैनिकों का राजदूत। इसमें वैसे पॉलिटिशियंस भी ट्रैवल करते थे पता है, राजदूत में, इसके बारे में मुझे पता है भाई। प्लेन तो ये है यार, प्लेन है भाई, भारतीय वायुसेना, वो अलग ही है। इंडियन एयरफोर्स छोटा वाला भी है, मिनी प्लेन, ये तो छोटे मोटे दौरे पे जाने के काम आता रहता होगा यार। ये भी देखो, ये जैसे तुम संडे पे निकल जाते हो ना कि चलो सीपी घूम कर आते हैं, वैसे ही हमारे सैनिक थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं तुम्हारे पूरे भारत का। भाई टेक्नोलॉजी तो हमारे पास शुरू से ही अच्छी रही है, ऐसी बात नहीं है, और धीरे धीरे एडवांसमेंट होती ही जा रही है, तो वो चीज़ है। वरना ये चीज़ें भाई, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट ही इतना ज़्यादा आता होगा। अपना सर बचा के चलना ब्रो। इनके इंजन इतने हैवी है ना, इतने बड़े बड़े इंजन दे रखे हैं ये पहले। सब लोग शेड में खड़े हैं, शेड में भाई मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो वाइस सिटी में एयरपोर्ट पे नहीं घूम भाई। तो एक फोटो खींच यार, तो एक फोटो भाई, ये वही वाला प्लेन है जो पीछे से खुलता है ना। हाँ इसके अंदर टैंक्स जाते हैं, टॉम क्रूज भी इसी में जाता है। दोबारा बना, ये तो वही वाला प्लेन लग रहा है ना जो मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज जिसमें जाता है, जो पीछे हाँ, जिसमें ऋतिक आजकल वो कर रहा है ना मॉन्थन ड्यू की एड, डायरेक्ट बाइक घुसेड़ देता है अंदर। यार ये प्लेन कितना बड़ा है यार, इसका प्रोपेलर देखियो भाई। भाई जहाँ हमारी हाइट खत्म हो रही है ना वहाँ इसका गेट शुरू हो रहा है। सही कह रहा है, ये होगा जो टैंक वैंक कैरी करके ले जाते हैं ना, हैवी एयरक्राफ्ट। क्या नाम है इसका? फेयर चाइल्ड पैकेट,
हाँ कार्गो कैरियर, मीडियम ट्रूप एंड कार्गो कैरियर है ये, मतलब सैनिक भर के जाते हैं और कार्गो भी इसमें जाता है। इसकी स्पीड देख रहा हूँ मैं कहाँ है, इसमें एक बूस्टर 476 बूस्टर टर्बोजेट इंजन टर्बोजेट अबे इसकी स्पीड तो 3200 अच्छा 476 से 3218 अबे भाई इतनी तेज उड़ते हैं कि ये क्या कार्गो प्लेन भी था? ये पहले गियर में जाएगा 476 कोई गाड़ी ही नहीं जा रही इतनी। इस प्लेन को देख के अगर मैं एक शब्द में बयान करना चाहूँ ना तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, विशाल। देखो इसके ये वो है, गाड़ियों में स्पॉइलर लगवाते हो ना आप लोग ताकि हवा को काटे, ये स्पॉइलर वाला ही काम करता है ऊपर नीचे ऊपर। तो गाइज इसी वीडियो के साथ लेते हैं अलविदा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे कंटेंट देखना है तो अपडेटेड रहने के लिए भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइए, और साथ ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए कमेंट में, और अगर अच्छी लगी भी हो तो लाइक करिए, और मेरे हिसाब से ये वीडियो तो सबको ही लाइक करनी चाहिए, कोई बोलने का मतलब ही नहीं बनता इसमें। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर।